नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आंगनबाड़ी कॉम केयर ऐप में गृह भ्रमण का फॉर्म भरना सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है गर्भवती महिला का जब बच्चा हो जाए तो उसके बाद का जो फॉर्म भरा जाता है उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जो भी दिक्कतें आती है आंगनबाड़ी सेविकाओं को, उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में दिया गया है। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जो है कॉम केयर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे फॉर्म भरे पर। फिर यहाँ पे है परिवार प्रबंधन है, दैनिक पोषाहार है, और यहाँ पे है गृह भ्रमण। तो ये गृह भ्रमण वाला जो फॉर्म है, ये मॉड्यूल है, इस पर हमको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे दो बेल आइकन है, घंटी है, जिसका गृह भ्रमण करना है, ठीक है। यहाँ पर ये रेड का निशान है जिससे करा है, इनका समय हो गया है गृह भ्रमण करने का, इसलिए रेड का निशान आ जाता है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे सुमन कुमारी का जो है गृह भ्रमण का फॉर्म भरेंगे। इस फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा उनके नाम पर। उसके बाद जो है आपको आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन है, प्रसव के पूर्व की तैयारी और प्रसव। तो ये प्रसव पूर्व की तैयारी का फॉर्म भरा चुका है, इसलिए हम इसे नहीं भरेंगे, हम भरेंगे प्रसव का, क्योंकि बच्चा हो गया है। अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछेगा, उसका जवाब देना है। क्या महिला का प्रसव हो गया है? तो हाँ। फिर आपको आगे बढ़ना है। प्रसव का पता चलने की तिथि तो 5 जुलाई 2020। प्रसव का पता चलने का समय तो 3:15, ठीक है। यहाँ पे ये 12 हो गया, 13 का मतलब हो गया 1, 14 का मतलब हो गया 2, और 15 का मतलब हो गया 3, ठीक है। 15:15 पे ये पता चला था। प्रसव की वास्तविक तारीख 5 जुलाई 2020। क्या माँ और बच्चा दोनों ठीक है? तो हाँ ठीक है। फिर पूछ रहा है शिशु का जन्म कहाँ हुआ, घर में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, या फिर किसी यात्रा के दौरान हुआ। तो ये हॉस्पिटल में हुआ है, तो इसलिए हम इस पर हॉस्पिटल में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर पूछ रहा है किस हॉस्पिटल में हुआ है, ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल, या CHC। तो ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ है। क्या प्रसव इसी जिले में हुआ है? तो हाँ, जिस जिले में उनका घर है उसी जिले में हुआ है। क्या जननी सुरक्षा की योजना की राशि मिली? तो नहीं, अभी उन्हें नहीं मिली है। फिर प्रसव का प्रकार पूछ रहा है, सामान्य, ऑपरेशन, औजार की मदद से जन्म। तो सामान्य हुआ है। क्या अस्पताल से छुट्टी मिल गई है? तो हाँ मिल गई है। डिस्चार्ज की तिथि भरना है तो 5 जुलाई 2020। फिर डिस्चार्ज का समय पूछ रहा है, कब डिस्चार्ज हुआ? तो करीब 8 बजे के करीब में हुआ है। तो ये हो गया 15, हो गया 3, 16, 4, 17, 5, 6, 7, 8, 20:00। फिर आगे बढ़ना। इस प्रसव के दौरान कितने बच्चे को जन्म दिया, एक बच्चा, जुड़वा बच्चा, या फिर 3 बच्चे 4 बच्चे? तो जुड़वा बच्चे तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक बच्चा जन्म हुआ है, तो हम एक बच्चा पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। केवल एक बच्चे को जन्म दिया, हाँ या नहीं? तो हाँ। फिर आगे बढ़ेंगे। आप बच्चा एक की जानकारी दर्ज कर रही है, ठीक है। जन्म का समय तो 15:15 यानी कि 3:15 15 और 15, जो उस बच्चे का जन्म का समय होगा वहाँ पे ये भरना है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि लड़का हुआ या लड़की, तो लड़का हुआ है। क्या बच्चे का कोई नाम है? तो नहीं, अभी कोई नाम नहीं रखा गया है। जब तक बच्चे का नामकरण नहीं होता है तब तक बच्चे का नाम सुमन कुमारी का बेटा होगा, तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। जन्म के समय बच्चे ने रोया? तो हाँ
रोया था। क्या जन्म के समय बच्चे का वजन लिया गया? तो हाँ, लिया गया था वजन। आगे बढ़ेंगे। पहली बार वजन लेने की तिथि? तो 5 जुलाई 2020, जिस वक्त जन्म होता है उसी वक्त जो है बच्चा का जन्म वजन और उसका हाइट नापा जाता है। जन्म के समय पहली बार लिया गया वजन ग्राम में, यहाँ पे पूछा है ग्राम में, यानी कि जैसे कि ये बच्चा 3 किलो का था जन्म के समय, तो हमें यहाँ पे 3000 लिखना होगा, 3000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम 1 किलो होता है, तो अगर 3 किलो का बच्चा है तो हम यहाँ पे भरेंगे 3000 ग्राम। जन्म के समय बच्चे का वजन 3 किलो और 0 ग्राम था, तो हाँ ठीक है। जन्म के समय बच्चे को त्वचा से त्वचा को लगाकर रखा गया? तो हाँ रखा गया। क्या इस बच्चे को पोंछकर 2 अलग सूती कपड़े में लपेटा गया? तो हाँ। नाल नई ब्लेड से काटी गई? हाँ। नाल को साफ धागे से बांधा गया? हाँ। नाल पर कुछ भी लगाया गया? तो नहीं, कुछ भी नहीं लगाया गया। जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया? तो हाँ। क्या जन्म के समय बच्चे में कोई समस्या थी? नहीं, कोई समस्या नहीं थी, नॉर्मल था। क्या सुमन कुमारी के बेटा का टीकाकरण कार्ड है? तो हाँ, जो माँ का टीकाकरण कार्ड होता है वही बच्चा का ही हो जाता है। हेपेटाइटिस बी 0 प्राप्त हुआ? तो हाँ। हेपेटाइटिस बी 0 की तिथि भरे? तो 5 जुलाई 2020। बीसीजी प्राप्त हुआ? हाँ। बीसीजी की तिथि भरे? 5 जुलाई 2020। पोलियो खुराक 0 प्राप्त हुआ? हाँ। पोलियो खुराक 0 की तिथि भरे? 5 जुलाई 2020। अब ये कह रहा है एप्लीकेशन अगले टीकों की अनुसूची तैयार कर रहा है, तो ठीक है फिर आगे बढ़ना है। आप पूछ रहा है प्रसव के बाद लाभार्थी को IFA की गोली दी गई? तो हाँ, IFA की गोली आयरन की गोली होती है। लाभार्थी को कितनी IFA की गोलियां दी गई? तो 30। प्रसव के समय एवं प्रसव के बाद कोई समस्या? तो नहीं, कोई समस्या नहीं थी। क्या महिला ने प्रसव के बाद कोई परिवार नियोजन का कोई साधन अपनाया है? तो नहीं, अभी कोई इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। फॉर्म समाप्त करने के बाद कृपया गृह भ्रमण सूची की समीक्षा करें, तय करें कि आज इस लाभार्थी के लिए प्रसव के बाद देखरेख वाला भ्रमण करना है या नहीं, ठीक है आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर समाप्त का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, जिससे फॉर्म सेव हो जाएगा और सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पूछ लिख रहा है सर्वर से संपर्क, क्योंकि नेट अभी ऑफ है, जैसे हम नेट ऑन करेंगे, मोबाइल डाटा ऑन, और हम जो है ये जो गृह भ्रमण है ये हो चुका है, तो देख सकते हैं सुमन कुमारी आज भ्रमण करें, ये कर रहा है, मतलब आज भ्रमण हो चुका है लेकिन फिर एक और भ्रमण होगा, तो हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है परसों के बाद की देखरेख, ठीक है, पहले था परसों के पहले की देखरेख, तो फॉर्म लोड हो रहा है। क्या माँ और बच्चे दोनों ठीक है? तो हाँ ठीक है। अत्यधिक रक्त बहाव? नहीं। बेहोशी? नहीं। माँ को बुखार आया था? नहीं। क्या उसके पेट में दर्द है? नहीं। योनि से रिसाव? नहीं। क्या उसे पेशाब में दर्द होता है? नहीं। क्या उसके स्तन में कोई समस्या है? नहीं। स्तनपान के समय माँ को ज़्यादा खाने के लिए सलाह दी? हाँ। क्या वो ठीक से खा रही है? हाँ। परसों के बाद समय संभावित कठिनाई के लिए परिवार को सलाह दी? हाँ। अब तक महिला को प्रसव के बाद 30 IFA की गोलियां मिल चुकी है? हाँ ठीक है। इस बार माँ को कितनी IFA की गोलियां दी गई? तो अभी 0 है, अभी हम लोगों ने 30 मिल चुका है, तो अभी वही खाएगी।
लाभार्थी को प्रसव के बाद प्राप्त कुल आईएफए की गोलियां 30, ठीक है। बच्चा सुमन कुमारी का बेटा, ठीक है, क्योंकि अभी नामकरण नहीं हुआ है। क्या बच्चे को त्वचा से त्वचा लगाकर देखभाल किया गया? तो हाँ। क्या नाल गिर गई? नहीं। क्या नाल पर कुछ लगाया गया? नहीं। नाल की देखभाल देखभाल के लिए बताया? हाँ। साफ सफाई व व्यक्तिगत स्वच्छता पर परामर्श दिया ताकि शिशु को कम से कम लोग हाथ लगाए और हाथ धोकर शिशु को छुए? तो हाँ बिल्कुल, वैसे भी अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोई भी बिना हाथ धोए तो छुएगा नहीं। क्या बच्चा ठीक से स्तनपान कर रहा है? हाँ। क्या बच्चे को स्तनपान के अलावा कुछ और दिया जा रहा है? नहीं। मैंने स्तनपान कराते हुए देखा? हाँ। क्या बच्चा सही तरीके से स्तनपान कर रहा था? हाँ। क्या बच्चे को ठीक से सहारा दिया गया था? हाँ। क्या बच्चा अच्छी पकड़ के साथ स्तनपान कर रहा था? हाँ। वर्तमान में स्तनपान के लिए सलाह दी? हाँ। क्या बच्चा लगातार स्तनपान कर रहा है? हाँ। सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दी? बिल्कुल हाँ। क्या आसानी से बच्चा जाग जाता है? हाँ। क्या जागने के बाद बच्चे में चंचलता है? हाँ। बच्चे को प्रभावित करने वाले संभावित खतरों के बारे में सलाह दी? हाँ। प्रसव के बाद परिवार नियोजन क्यों नहीं अपनाया गया? परिवार ने मना किया, हॉस्पिटल में किसी ने सलाह नहीं दिया, डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, प्रोत्साहन राशि नहीं मिली थी, अन्य कारण। तो अन्य कारण पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अंतराल रखने के लिए कॉपर टी या बंध्याकरण पर सलाह दी? हाँ। क्या पति पत्नी ने परिवार नियोजन के लिए इच्छा जताई? नहीं। क्या पति पत्नी प्रसव पूर्व परिवार नियोजन के लिए इच्छुक है? हाँ। परिवार नियोजन के सभी साधनों की सलाह दी? हाँ। क्या महिला ने कॉपर टी लगवाने में इच्छा जताई? नहीं। क्या महिला ने प्रसव पूर्व बांध्यकरण में इच्छा जताई? नहीं। फिर यहाँ पे समाप्त का ऑप्शन आ गया, तो हम लोग जो है समाप्त कर देंगे, जिससे फॉर्म सेव हो जाएगा। और इस बार देखिए नेट ऑन है तो फॉर्म सफलतापूर्वक भेजा गया, ठीक है। अब हम जाएंगे गृह भ्रमण में चेक करने के लिए क्या वो फॉर्म चला गया। तो देखिए यहाँ पे ये लिख रहा है अगला भ्रमण 2 दिनों में, फिर 2 दिन में फिर से भ्रमण करना होगा इनका। अभी जो है आज का भ्रमण पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है परसों की बात की देख रेख जो है ये बाद में 2 दिन बाद फिर करना होगा। फिलहाल जो है फॉर्म चला गया है। अगर फॉर्म नहीं जाता है, लेट्स सपोज आपका नेट ऑफ है, तो यहाँ पे नेट ऑन करके यहाँ पे फॉर्म भेजे पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपका जो है फॉर्म सर्वर को चला जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है सर्वर के साथ संचार हो रहा है, आपस में जोड़ने के लिए सर्वर से संपर्क स्थापित कर रहा है। तो ये कुछ देर लगता है, टाइम लगता है और सर्वर में चला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर सर्वर में जो फाइल था वो चला गया, नहीं भेजे गए फॉर्म 0। इस फॉर्म को देखने के लिए जो है आप जो है यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और जमा किए गए फॉर्म, जो भी फॉर्म सर्वर को भेजा गया है आज की डेट में, वो देखिए 2 फॉर्म हमने भरा था गृह भ्रमण का। तो पहला प्रसव का फॉर्म भरा था और दूसरा प्रसव की बात की देख रेख का फॉर्म भरा था। तो ये दोनों फॉर्म जो है यहाँ पर चला गया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप जो है गृह भ्रमण आंगनबाड़ी ICDS कैश कॉम केयर में ऐप में कर सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी का कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम जो है हम बाकी जो है जैसे ये बच्चा का अलग है तो बच्चा का गृह भ्रमण करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।